नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। स्वागत एक बार फिर आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। और फिलहाल सावन का मौसम चल रहा है, काफ़ी सुहाना मौसम है और इसी सुहाने मौसम में तैयार हूँ मैं निकलने के लिए और कार में बैठा हुआ हूँ। कुछ ही देर में हमारे साथ में हमारी पूरी टीम हो जाएगी और हम आज निकल रहे हैं यहाँ से जाम गेट के लिए और उसके साथ ही महेश्वर भी जाएंगे। तो फिलहाल रेडी हूँ मैं कार में, बस कुछ ही देर में सभी पूरी टीम हमारी आ जाएगी और हम निकलेंगे महेश्वर के लिए और आज सावन के इस मौसम का काफ़ी मज़ा लेंगे। साथ ही साथ बाहर सावन के जो सेरे जिनको बोलते हैं, मौसम में पानी जो सावन करता है वो भी गिर रहा है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और काफ़ी सुखद मौसम है। तो बस हम कुछ देर में निकलते हैं और आपको आज के नज़ारे दिखाते हैं सावन के। ये हमारे राजू सेठ जी आ चुके हैं, बाकी हमारे गजुदा और बहलाल भैया भी आने वाले हैं और हम फिर निकलेंगे फटाफट से आज के टूर पर। पानी की हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, काफ़ी आनंद आने वाला है आज के टूर में। फिलहाल निकल चुके हैं हम और सबसे पहले तो गाड़ी में ईंधन डलाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे जाम गेट। जाम गेट के नज़ारे दिखाएंगे आपको। सावन महीने में हरियाली हमारी धरती के ऊपर ऐसे आती है जैसे हरि का नाम, हरि का सुमिरन करने के लिए हमारे मन में उत्सुकता पैदा होती है। ऐसे ही हमारे राव के पास में समीप जाम गेट एक सुप्रसिद्ध जगह है जहां साक्षात बादल भी मां भगवती के धाम में पधारते हैं, क्योंकि जाम गेट के ऊपर मां अंबे का एक शानदार मंदिर है, सुंदर मंदिर है जिसके आसपास की प्रकृति देखने लायक रहती है और सावन के महीने में सभी भक्त इस सुंदरता को देखने के लिए वहाँ पधारते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। उसी क्रम में हम भी आज माँ के दर्शन करने के लिए राव से सभी मित्रों के साथ में निकले हैं और साथ में ही जय जगदीश कावड़ यात्रा भी इसी रास्ते से आने वाली है। उसका स्वागत और उन भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उस समस्या का भी समाधान करने के साथ में हम सब युवा साथी राव से विजय गुरु हमारे जियाजी संजय जी और कॉमेडी मैन जो अभी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं हमारे गजानन जी गज्जू भैया के नाम से और उनके राइट हैंड जो छोटे दिखते हैं और अलग ही टाइप से दिखते हैं जैसे ऐसा लगता है इस धरती के ऊपर से एलियंस आए हुए हैं, ऐसे राजू भैया वो भी हमारे साथ में है। हम सभी मित्र इस यात्रा में आनंद की भूति प्राप्त करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए आज राव से निकले हैं। आज आपको उन माँ के मंदिर के दर्शन और इधर आसपास की जगह के सुंदर सुंदर नज़ारों के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, हर हर महादेव। देखिए सुंदर धरा पे हरियाली कैसे यौवन में बिखरी हुई है, जिस प्रकार से 5 साल का बच्चा कितना सुंदर दिखाई देता है उसी प्रकार से प्रकृति के 12 महीने में सावन के महीने में प्रकृति का ये 5 वर्ष जैसा सुंदर सा मुखड़ा हमको देखने को मिल रहा है, जिस नज़ारों को देखने के लिए साक्षात परमात्मा भगवान भोलेनाथ इस धरती पर विराजमान होते हैं और सावन के महीने में मुझे लगता है कहीं न कहीं ईश्वर इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है। उनके दर्शन करने के लिए भक्त कावड़ लेके आते हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं और हरि के गुण गाते हुए अपनी मस्ती में मस्त होकर घूमते हुए फिरते हुए नाचते हुए कावड़ भी चढ़ाते हैं, क्योंकि धरा पे इतनी सुंदरता सिर्फ सावन मास में ही देखने को मिलती है। ये हरियाली आँखों को भाती है और दिल के अंदर उतरती है, प्रभु का नाम स्मरण करने को मिलता है। आज वो नज़ारे वो दिखाने के लिए हम आपको ये विजय भैया के चैनल विजय गुरु ब्लॉक में आपको हम दिखाएंगे, जैसे सुंदर सुंदर बादल सुंदर सुंदर धारा से टकराएंगे, उनका मिलन होगा। देखिए ये तालाब, माँ पार्वती जी का मंदिर कुछ ही क्षणों में आपके सामने आने वाला है। उसके पहले तालाब की सुंदरता और उसके आसपास की हरियाली देखिए, मनोहर दृश्य जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये दृश्य देखने के बाद में चले जाते हैं। जाम गेट आएंगे, उसके पहले एक पोर्ट बना हुआ है, एक पुराना किला बना हुआ है।
यह हमारी प्राकृतिक संपदा है। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे राजाओं द्वारा बनाए गए ऐसे किले इस धरती के ऊपर कई विद्यमान है, उसमें यह भी एक छोटा सा किला जाम गेट का, और ये जाम गेट गाँव जो आपके सामने है, उसके बाद में माँ पार्वती जी का मंदिर, और जाम गेट के बाद में नीचे चढ़ाई उतराई चालू हो जाती है, जिसे देखने के लिए हम पहले माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद में नीचे उतर कर आपको और नए नए दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप प्रकृति से रूबरू हो और देखिए बादलों और प्रकृति और पत्तों का और हरियाली का संगम हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से बादल माँ धरा के ऊपर उतरने के लिए व्याकुल है, प्रकृति से मिलने के लिए व्याकुल है, वो दृश्य आपके सामने स्क्रीन पर है। साथ में ही सोयाबीन की फसल लगी हुई है जो निकलकर बाहर आ रही है, छोटे छोटे पौधे बनकर विशाल रूप लेंगे एक टाइम पे, और उनमें फल लगेगा। आगे धुंधा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब आपको हम जाम गेट का दृश्य हमारे सामने ही आने वाला है, और जाम गेट तरफ जाने वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे जाती हुई है। भक्तगण माँ के दर्शन करके नीचे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हम आज माँ के दरबार में तो आए हैं, पर साथ में ऐसा दृश्य हो गया है यहाँ का कि हम साक्षात आज स्वर्ग में अनुभूति करेंगे, बादलों के बीच में अनुभूति करेंगे, ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। माँ के मंदिर में जाने के लिए चढ़ाई चालू हो गई है, हम भी माँ के मंदिर में जा रहे हैं, माँ पार्वती मैया के मंदिर में हम आपको दर्शन कराएंगे, और इन बादलों के बीच में, इन बादलों के साथ में, प्रकृति के साथ में हम माँ के मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराएंगे, आसपास के नज़ारे के दर्शन कराएंगे। अभी दिन के 1 बजे हुए हैं और देखिए यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, सारे बादल हमारी गाड़ियों से टकरा रहे हैं और हम भी बादलों के बीच में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम साक्षात ऐसे दर्शन हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में देखने को मिलते हैं। उस प्रकार का मौसम, उस प्रकार की घाटी, उस प्रकार का समय हमें आज हमारे राव के पास में ही देखने को मिल रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप ऐसे मौसम में दर्शन करने पधारें और माँ के दर्शन के साथ साथ मौसम का भी दर्शन करें, बादलों के साथ में अनुभूति करें और आनंदमय जीवन बिताए। देखिए माँ के दर्शन करने के लिए राव सभी भक्तजन पधारे हैं। हमारे नए नए कॉमेडीमैन गजुदा, साथ में इस चैनल को चलाने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले, इस ब्लॉग को सबको दिखाने वाले, जिनका मोबाइल है, जिनका कैमरा है, जिनका आइडिया है, ऐसे हमारे विजय भैया, विजय गुरु, और साथ में अलग टाइप से दिखने वाले जैसे कोई दूसरे देश से आए हुए हैं, एलियंस का काम करते हैं, जिन्होंने लाल टोपी पहन रखी खतरे की, ऐसे राजू भैया, और साथ में बहुत कम नजर आते हैं पर मौके मौके पे नजर आते हैं और मौके पे चौका मारते हैं, जैसे हमारे जिया जी साहब, राव के पहले टाइगर संजय जी, जो राव के पहले टाइगर,
वो भी माँ के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। ये देखिए माँ के दर्शन करने पधारे भक्तों की भीड़, गांवों से लोग ट्रैक्टरों से आए हैं और गाड़ियों से आए हैं। माँ का मंदिर बादलों के बीच आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बादलों के बीच आ गए हैं और बादलों के बीच में माँ का मंदिर बना है। नीरव का पहला दर्शन करें वहाँ। गुड्डी बाल खाए, गुड्डी बाल, गुड्डी का है, गुड्डी का है। एक तो चाक वो सुजल मांगा उधर है। और मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, दर्शन भी करने के लिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर माता जी के मंदिर में। और ये देखो बादल पूरे नीचे उतरे हुए हैं और ये हमारी कॉमेडी की वीडियो भी शूट हो रही है इसके साथ में। और ये कॉमेडी वीडियो शूट हो चुका है हमारे राजू भैया का चैनल है सर की कॉमेडी। आप भी सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे राजू भैया का सर की कॉमेडी चैनल है जिस पे ये वीडियो आने वाला है। काफ़ी मस्ती भरा वीडियो है और इसको खूब वायरल करें सभी। तो अब हम निकलते हैं आगे, यहाँ से आपको जाम गेट के नज़ारे दिखाएंगे इसके बाद और जाम गेट के आनंद लेंगे। माँ पार्वती मंदिर के नीचे आने के बाद में जाम गेट की तरफ जाते हैं तो देखिए ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर लोनाना और अपना अमेजिका के पास में खंडाला के जैसा टूर, जैसा व्यू हमको यहाँ देखने को मिलता है। जो लोग इतनी इतनी दूर जाकर देखकर आते हैं उन सभी पर्यटकों से मेरा निवेदन है कि वो ज़रूर एक बार माँ पार्वती के मंदिर के बाद में जाम गेट का नज़ारा देखने के लिए यहाँ पधारे। इतना सुंदर और इतना शानदार व्यू आपको मात्र इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मिलेगा। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पर्वतों की श्रेणी है जहाँ पर माँ अम्बे माँ पार्वती माँ का मंदिर विद्यमान है। 3000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है और इसके दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पधारते हैं। उसके बाद में जाम गेट का जो दृश्य है सुंदर, वो देखने के लिए हर भक्त और पर्यटक उस स्थान पर जाता है और अलग अलग तरह से अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। यहाँ संडे के दिन ऐसा लगता है जैसा कि मेला लगा हुआ है, सारे इंदौर के निवासी इसी जगह पर आए हैं ऐसा व्यू देखने के लिए। आप भी पधारे, ऐसा व्यू आपको मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर ही देखने को मिलता है। हमारे विजय भैया की अनंत मेहनत और हमेशा दूर दूर तक घूमकर आपको नए नए ब्लॉग दिखाते हैं, तो मैं विजय जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो अपने दर्शकों को इतने शानदार व्यू के बारे में बताया इसके लिए। मित्रों मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी सोचा कि गाड़ी से निकलकर इस अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जाए। देखिए कैसे लोग वीडियो बनाते हैं और
फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, आनंद में घूमते हैं। ऐसा लगता है कि सारी टेंशन हमारी दूर हो गई है और हम इस व्यू को देखने के लिए यहाँ इतनी दूर आए हैं। हर दर्शक अपने मोबाइल के अंदर इस दृश्य को कैद करना चाहता है और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सामने घनी खाई है, पर बादलों के कारण से वो खाई दब गई है, इसीलिए हम किसी प्रकार की रिक्स ना लेते हुए हम दूर से ही आपको वो खाई दिखाएंगे और आप उसका आनंद लीजिएगा। माँ का मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है, बादल जैसे हमसे टकरा रहे हैं, बादल हमसे टकरा रहे हैं और हम बादलों के बीच में घूम रहे हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़ारों से हम यहाँ आपको दर्शन करा रहे हैं। इस व्यू के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा शायद ही किसी दूसरे चित्र में आपको या दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, इसीलिए हमारी मेहनत आपके साथ में है और आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ में है। इसी कल्पना के साथ में हम अगले व्यू में भी आपको दिखाएंगे और अभी जाम गेट दूर है, जाम गेट आने पर आपको हम उसका दृश्य दिखाएंगे। उसके बाद जाम गेट के बाद में नीचे जो रास्ता गया है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और हमारा आज का व्लॉग शूट करने वाले हमारे भैयालाल दा, आज का हमारा पूरा व्लॉग भैयालाल दा ने शूट किया है। दृश्य करने का आनंद है और इस आनंद में आप सब साथ में है तो आनंद ही और ज्यादा हो जाएगा और आनंद से जब आनंद मिलता है तो परमानंद की प्राप्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होगी तो दिल का अंदर के जो बेटा भगवान खुश होता है और उस परमात्मा की खुशी के लिए अरे यार तो फिर बोलाएगा तो लंबा बोलाएगा सर यार चलिए आज करोगे थोड़ी देर यार मेरे को बादलों की ओट में चाय पी फोटो खींचे और ये हम नाश्ते के लिए रुके हैं। नाश्ते के लिए रुकी हमारी गाड़ी देखो तो पकड़ो चाय, चाय की चुस्की लेते हुए जाम घाट पे फोटो डाल दे। मौसम काफी सुहाना हो रहा है और बादल बहुत नीचे आ चुके हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो नजारा, अरे यार वीडियो बनाया रे थोड़ा सा वो डालेगा पर मारा एक तो डायलॉग नहीं है रिक्वेस्ट करने का पड़ेगा। देखिए मित्रों दिन क्या 2 बज रहे हैं और हमें नजारा लग रहा है रात्रि हो गई है और आपके सामने जो भूरे भूरे बादलों के बीच में दिखता हुआ पुराने किले के जैसा जाम गेट आपके सामने जाम गेट जिसके दर्शन हम आपको करा रहे हैं विजय भैया के माध्यम से, उस जाम गेट के दर्शन इस छोटे से कैमरे के माध्यम से आपको हो रहे हैं। ये जाम गेट प्रसिद्ध गेट है और इसी गेट के ऊपर माँ पार्वती जी का मंदिर है जिसके दर्शन आज आप कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा आपको बहुत ही शानदार नज़ारा आपको जो देखने को मिल रहा है, जाम गेट के बीच में मीनार और जाम गेट के बीच में ये जो रास्ता है ये अपने आप में एक मनोहरी दृश्य है। ऐसा लगता है कि हम जैसे आज से 200 साल पुराने राजा रजवाड़ों के हुकूमत में पहुंच गए हैं। पहले हमारे संस्कृति में ऐसे बाजार लगते थे, ऐसे गेट, ऐसे किले, ऐसी जगहों पर सब लोग इकट्ठा होते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। हमारी देखिए जाम गेट से निकलने के बाद में हम नीचे की तरफ जाएंगे और पर्यटक जो है जाम गेट से 1 किलोमीटर नीचे और 1 किलोमीटर ऊपर तक पर्यटक रहते हैं। जाम गेट का ये नज़ारा अपने आप में एक अलौकिक नज़ारा है। देखिए लंबी कतार लगी हुई गाड़ियों की, लोग उन गाड़ियों से निकलकर अपने अपने कैमरे से इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। वादियों में हरियाली और हरियाली में नमी है और नमी के साथ में धुंधल है और धुंधल के साथ में हम सब लोग साथ मिलकर इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज हम बद्री विशाल केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही नज़ारा हमको देखने को मिलता है। वही नज़ारा माँ की कृपा से पार्वती मंदिर और जाम गेट के नीचे का नज़ारा दर्शकों के साथ में राम राम करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दर्शक भी खुश है, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ में आते हैं। देखो एक बालिका कितनी शानदार तरीके से सेल्फी ले रही है, ये नज़ारे यहीं देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान के मध्य में रहने वाले मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के ऐसे पर्यटक है जहाँ रोने में भी गम में भी एक दूसरे को हंसी खुशी करवाते हैं और साथ में रहते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं। नज़ारों के दृश्य को देखते हुए जाम घाट के नीचे से पब्लिक आती हुई
और हम अब थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी रोकेंगे और हमारा भी मन कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ हमारी धरती पर एक अलग प्रांत का आदमी आया हुआ है जिसका नाम मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एलियंस है। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ रुको और देखो और इस दृश्य को देखने के लिए हम दुनिया को बता रहे, तो अपने को भी इंजॉय करो। उसके साथ में हम सब मित्रों को आज इस जाम गेट में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गजानन जी उतरते हुए, उसके पहले राजू भैया उतर चुके थे जो हाथ हिला रहे थे, और विजय गुरु से मैं निवेदन करता हूँ जो मेहनत करते हैं दिन रात, ऐसे नई नई चीज़ों को सोचते हैं, ऐसे विजय भैया को भी हम नमन करते हैं और उनसे भी हम आशा करते हैं कि अगली बार अगली वीडियो में एक नई वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत करें जिसका दर्शन अगला हमारा टूर हो सकता है। और करीब करीब 99% पक्का हो चुका है झाड़ उखाड़ हनुमान जी महाराज के यहाँ हम कोई रविवार का इंतजार नहीं किया जाएगा, कोई रविवार का इंतजार नहीं करेंगे, कोई सोमवार का इंतजार नहीं करेंगे। और हमने तय कर लिया है कि हम अगले बार जो भी आ रहा है अगले मंगलवार के दिन हम झाड़ उखाड़ हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जियाजी साहब आपसे भी निवेदन है, आप भी आ जाओ कि हम अगले मंगलवार के दिन ये पूरी की पूरी टीम, देख लीजिए भैया ये पूरी की पूरी टीम, अगला ब्लॉक अगला दर्शन आपको हम झाड़ उखाड़ हनुमान जी महाराज के करेंगे। और आपको सबको आमंत्रित है मंगलवार के दिन कि आप भी हमारे साथ में झाड़ उखाड़ हनुमान जी चलें, ये टीम जाएगी। और आज का इस मनोहर दृश्य जो आपको दिखाया गया है, इसकी मेहनत के लिए मैं विजय गुरु को और गजानन जी को और संजय जी को और राजू भैया को और मैं स्वयं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमको भी उन्होंने इस ब्लॉक में उनके साथ में रखा और हम सब ने मिलकर आपके सामने जाम घाट का दृश्य दिखाया। अब अगले टूर में मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, गुरु के लड्डू गोपाल की जय, गजानन जी के लड्डू गोपाल की जय। सब भगवानों के चरणों में नमन के हम इस आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। जय जय सियाराम। आज काफ़ी आनंद लिया हमने हमारे पूरी टीम के साथ में, आज के व्लॉग में काफ़ी आनंद आया। आप सभी हमारे इस व्लॉग को जरूर देखिए और अब हम यहाँ से रिटर्न होंगे वापस घर के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जैसा कि आपको हमारे
भैया ने बताया नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का होगा, तो जल्दी आपको वहाँ के भी नज़ारे दिखाते हैं। और अब हम यहाँ से रिटर्न होंगे घर के लिए जल्दी। जय श्री राधे।